लास्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि रिसिप्ट नोट की एंट्री का परचेज ऑर्डर क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो हमने ये भी देखा कि 10 आइटम अभी भी आउटस्टैंडिंग है परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसी तरह से आप हम आज जानेंगे कि रिसिप्ट नोट की एंट्री और परचेज वाउचर की एंट्री को जब हम ट्रैकिंग नंबर से जोड़ते हैं, ट्रैकिंग नंबर जो हमने रिसीप्ट नोट की एंट्री के टाइम पे डाला था PTN1, तो इन दोनों एंट्रीज को अगर हम अटैच करते हैं PTN1 से तो क्या होता है। अभी तक हमने रिसीप्ट नोट वाउचर की एंट्री की थी, परचेज वाउचर की एंट्री नहीं की। तो अगर हम परचेज वाउचर की एंट्री नहीं करते तो क्या रिजल्ट्स होंगे। रिसीप्ट नोट वाउचर में एंट्री तब की जाती है जब माल रिसीव होता है, गुड्स रिसीव होती हैं, और जब परचेज वाउचर में एंट्री तब करते हैं जब हमें बिल रिसीव होते हैं, यानी हम अकाउंट्स में एंट्री चढ़ा चुके हैं, चढ़ाते हैं जब माल भी रिसीव हो गया, बिल भी रिसीव हो गया, ठीक है। बिल रिसीव हो गया मतलब परचेज वाउचर में एंट्री अभी हम नहीं कर रहे, सिर्फ रिसीप्ट वाउचर में की गई एंट्री का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। मैं वापस आया टैली में। अब हमें कहाँ जाना है, हम जाएंगे डिस्प्ले में, हमें एक और रिपोर्ट्स अवेलेबल है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। वो रिपोर्ट्स हैं परचेज बिल्स पेंडिंग। परचेज बिल्स पेंडिंग हमें ये बताता है कि क्या गुड्स रिसीव हो चुकी हैं अगे एक ट्रैकिंग नंबर के अगेंस्ट, क्या एक ट्रैकिंग नंबर के अगेंस्ट परचेज वाउचर में भी एंट्री हो चुकी है, क्या दोनों एंट्री हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी है, कौन सी मिसिंग है और उसका क्या मतलब है। परचेज बिल्स पेंडिंग के अंदर जब हम एंटर किया तो हमें वो दिखा रहा है परचेज बिल्स पेंडिंग, डेट 2 जनवरी की, ट्रैकिंग नंबर PTN1, नेम ऑफ आइटम ये फ्रॉम सप्लायर वन से आनी थी, को पेंडिंग क्वांटिटी 40, रेट 500, वैल्यू 20,000। क्या मतलब है पेंडिंग क्वांटिटी क्यों शो कर रहा है। एक्चुअल में क्वांटिटी पेंडिंग नहीं है, हमें माल रिसीव हो चुका है लेकिन अकाउंट्स में यानी कि परचेज वाउचर के अंदर अभी हमने एंट्री नहीं चढ़ाई, यानी मैसेज ऊपर क्या आ रहा है, गुड्स रिसीव्ड बट बिल्स नॉट रिसीव्ड। जब रिसीप्ट नोट वाउचर में एंट्री हो गई तो गुड्स रिसीव्ड मानी जाएंगी, बट परचेज वाउचर में एंट्री अभी तक नहीं हुई, यानी पार्टी सप्लायर अकाउंट को क्रेडिट और परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं किया गया। परचेज अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू सप्लायर अकाउंट क्रेडिटेड 20,000, तो बिल्स नॉट रिसीव्ड का मैसेज आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पे एंटर दबाता हूं तो नीचे रिसीप्ट नोट की एंट्री नजर आ रही है, ट्रैकिंग नंबर वन से जुड़ी हुई, परचेज वाउचर की एंट्री नहीं नजर आ रही। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें परचेज वाउचर की भी एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। पर अभी हम इस एंट्री को नहीं करेंगे, ये लेक्चर तो सिर्फ हमें ये बताने के लिए था कि क्या इफेक्ट होता है कि अगर रिसिप्ट नोट की एंट्री की जाए एक ट्रैकिंग नंबर के अगेंस्ट और परचेज वाउचर की एंट्री ना की जाए अगर ट्रैकिंग नंबर के अगेंस्ट, तो क्या लिखा हुआ आएगा परचेज बिल स्पेंडिंग में और परचेज बिल स्पेंडिंग क्या शो कर रहे हैं। तो ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, आप इफेक्ट्स देखिए इसके। मैं इस टॉपिक को यहीं स्टॉप करता हूं। थैंक यू वेरी मच।